नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको लेकर के आए कि हमारे पास एक लैपटॉप आया है और यह डेड कंडीशन में, इस डेड कंडीशन में लैपटॉप को हम लोग कैसे रिपेयर करेंगे, कैसे चेक करेंगे, उसका तरीका हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो लैपटॉप को रिपेयर करने का तरीका क्या है, मैं लैपटॉप के ऊपर पूरा सीरीज लेकर के आने वाला हूँ कि लैपटॉप को कितना आसानी से, आसान तरीके से लैपटॉप को रिपेयर किया जाएगा, ताकि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो लैपटॉप के बारे में रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो ईटेक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसा कि आप देखेंगे चैनल में लैपटॉप की बहुत सारी वीडियोस नहीं पड़ी हैं, क्योंकि किसी अभाव के कारण बस मैं वीडियो नहीं डाल पाया। अब मैं आपको बहुत सारी वीडियो दूंगा ताकि आप लैपटॉप के बारे में भी जानकारी, इन्फॉर्मेशन को सीख सकें, और लैपटॉप रिपेयरिंग का कोर्स सीखना चाहते हैं तो ईटेक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे, चेक करने का तरीका क्या है, उसके बारे में स्टेप बाई स्टेप बताता हूँ। सबसे पहली बात क्या है कि लैपटॉप हमारा ऑन नहीं हो रहा है। जितने भी लैपटॉप आते हैं, सारे लैपटॉप में मोस्टली प्रॉब्लम आ रही है कि वो ऑन नहीं हो रहे हैं, और उसको कैसे चेक किया जाएगा। तो उसके लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, लैपटॉप लगाएंगे। इसके लिए पावर कनेक्टर आता है, ये सप्लाई कनेक्टर होता है। इस सप्लाई कनेक्टर को हम लोग डीसी मशीन से कनेक्ट कर देते हैं। ये हमने चालू किया, इस सप्लाई को हमने डीसी मशीन पे लगाया। डीसी मशीन पे हमको 19 वोल्ट की सप्लाई आती है, 19 वोल्ट की सप्लाई इसमें देनी होती है। केबल को हम अच्छे तरीके से लगा देते हैं। इस डीसी मशीन के माध्यम से हम लोग मोबाइल फोन भी रिपेयर कर सकते हैं, लैपटॉप भी रिपेयर कर सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो हम लोग को जब लैपटॉप चेक करेंगे तो लैपटॉप को चेक करने के लिए आपको डीसी मशीन जो होती है इसको 20 वोल्ट पर सेट करना होता है। कितने पर सेट करना होता है दोस्तों, 20 वोल्ट और 3 एम्पियर पर। फिर इसके लिए हमारे देखिए कनेक्टर आते हैं लैपटॉप को चेक करने के लिए, इस तरीके से बहुत सारे कनेक्टर आते हैं, इनको हम लोग सप्लाई कनेक्टर बोलते हैं। ये सारे कनेक्टर जो होते हैं, 47 कनेक्टर आते हैं, 47 कनेक्टर के माध्यम से हम सारे लैपटॉप के अलग अलग तरीके की सप्लाइयों को चेक कर सकते हैं। सबसे पहली बात, इसको कनेक्टर को इसमें कन्वर्टर में ऐसे लगाना है। लगाने के बाद फिर आपको इसमें सप्लाई को इन करना है। जैसे सप्लाई इन करेंगे तो देखिए यहाँ पर 44 लिख करके आ रहा है, और 44 लिखने के बाद फिर उसके बाद हमको क्या करना है, इसको ऑन करना है। जैसे आप लैपटॉप को ऑन करेंगे तो देखिए लैपटॉप हमारा ऑन हो गया। अब इसका मतलब है कि ये जो कस्टमर हैं, जो हमारे पास लैपटॉप लेकर के आए थे, ये अपना चार्जर भी लेकर के आए थे, तो इनका लैपटॉप चल नहीं रहा था। तो हो सकता है कि जैसे मैंने डीसी सप्लाई मशीन से जब मैंने उसको सप्लाई दिया तो हमारा लैपटॉप क्या हो गया, चालू हो गया। तो इनके मतलब मोस्टली इनके चार्जर में फॉल्ट है। क्या फॉल्ट है, चार्जर फॉल्ट है। तो बहुत ऐसे ऐसे केस भी आते हैं कि क्योंकि जो लैपटॉप के चार्जर होते हैं ना, एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, मोबाइल फोन के चार्जर तो अगल बगल मिल भी जाते हैं, कोई भी चार्जर खोद तो चल जाएगा, नहीं हुआ तो ये चेक कर लो, वो चेक कर लो, चले। लेकिन लैपटॉप का चार्जर कहाँ मिलेगा, दूसरी बात इसमें 19 वोल्ट की सप्लाई कहाँ से मिलेगी। तो इसके लिए जो है वो तो लेकर के आप ही के पास आने वाला है। अब कह रहा है हमारा चल नहीं रहा है, चल नहीं रहा है, चल नहीं रहा है, क्यों नहीं चल रहा है, हो सकता है उसका एडेप्टर खराब है। क्या खराब है, एडेप्टर खराब है। जैसे मैंने इसको सप्लाई दिया और सप्लाई देते ही हमारा लैपटॉप देखिए फर्स्ट क्लास चलने लगा। तो दोस्तों, आप लोगों को मैंने बताया कि किस तरीके से लैपटॉप को सप्लाई दिया जाता है। लैपटॉप को सप्लाई देने के लिए, चेक करने के लिए हमको इसको 20 वोल्ट पे सेट करना होता है। 20 वोल्ट पे सेट करने के बाद जैसे आप सप्लाई देंगे तो देखिए यहाँ पर 1 एम्पियर सप्लाई खा रहा है, और जितने भी लैपटॉप होते हैं सारे लैपटॉप चार्जिंग की सप्लाई से डायरेक्ट चालू हो जाते हैं। और उन सब चीज़ों को चेक करने के लिए देखिए अलग अलग कनेक्टर आते हैं, कन्वर्टर्स आते हैं, ये देखिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से लैपटॉप को हम लोग इसके माध्यम से चेक कर सकते हैं, और इसमें कोई ज़्यादा फॉल्ट निकला ही नहीं, कोई फॉल्ट ही नहीं था कि जो मैं आपको खोल करके समझा पाऊँ और अच्छी तरीके से। चलिए फिर हम आप लोग नए केस में मिलेंगे, और फिलहाल इसको देखिए आपके सामने लैपटॉप चल रहा है।
हम लैपटॉप को फिर एक बार बंद कर देते हैं। जैसे आप बंद कर देंगे तो डीसी मशीन के एम्पियर देखेंगे, 20 वोल्ट एक एम्पियर ले रहा है। जैसे लैपटॉप ऑफ होगा एम्पियर बंद। देखिए एम्पियर चला गया 491, लैपटॉप ऑफ हो गया। लैपटॉप ऑफ होने के बाद अब जैसे ही लैपटॉप को चालू करेंगे इसके एम्पियर की रीडिंग एकदम से हाई हो जाएगी, एक एम्पियर से ऊपर चला जाएगा। जैसे हम इसको ऑन करेंगे, देखिए ये हमने ऑन किया, ऑन करते ही लैपटॉप चालू होगा, इसमें एम्पियर चालू हो गए। तो डीसी मशीन हमारी एम्पियर को काउंट करती है, उस एम्पियर काउंट करने के माध्यम से हम लोग देखो 2 एम्पियर तक ले रहा है। जब ऑन होता है तो लैपटॉप सबसे ज़्यादा वोल्टेज खाता है। अब जैसे स्टेबल हो जाएगा, चालू हो जाएगा, तो 1 एम्पियर पे आके खड़ा हो जाएगा। ये देखिए आपका चालू हो चुका है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सीखेंगे लैपटॉप के नए नए अलग अलग फॉल्ट। ठीक है, वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों।